नमस्कार जोहार, क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। गोड्डा में बढ़ गई ठंड, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे। गोड्डा जिला में शुक्रवार से अचानक शीतलहर बढ़ गई है। गुजरे दो साल की तुलना में यह सबसे ठंडा दिन रहा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। इस कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहां कहीं भी आग देखते हैं लोग वहां बैठ जाते हैं। सबसे अधिक परेशानी जिले के हजारों गरीबों, असहायों और मजदूरों के लिए शुरू हो गई है। झोपड़ियों और फुटपाथ पर रात गुजारने वाले लोग चौक चौराहा पर सरकारी अलाव जलाने की मांग तेज कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं हुई है। पंडित दीनदयाल और डॉक्टर मुखर्जी प्रेरणा स्रोत। जिले के 9 मंडलों में 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग सह प्रशिक्षण सत्र का समापन शुक्रवार को हो गया। कार्यकर्ताओं को 5 सत्रों में प्रशिक्षण दिया गया। जिला अध्यक्ष राजीव मेहता ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने अभ्यास वर्ग में प्रशिक्षण प्राप्त कर पार्टी के विचारों को आत्मसात किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। इन दो महापुरुषों के सपनों को साकार कर अच्छे समाज और राष्ट्र के निर्माण में भाजपा कार्यकर्ता काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सकारात्मक सोच को सभी कार्यकर्ता समाज तक पहुंचाने का काम करें। सरकार के निर्देश पर स्कूल खोलने की तैयारी जोर शोर से। सरकार ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। सोमवार से जिले के सभी हाई स्कूल और प्लस टू स्कूलों को खोलने के लिए शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार तैयारी शुरू कर दी गई है। पूरे विद्यालय की साफ सफाई कराई जा रही है। निर्देशों का पालन निजी स्कूलों को भी करना है। जिला मुख्यालय के प्लस टू हाई स्कूल सहित शहर के बैथल मिशन स्कूल में शुक्रवार को कक्षाओं को फॉगिंग मशीन से सैनिटाइज किया गया। अब खबर देवघर से। नहीं रहेगा सपना, अपना घर होगा साकार। 4.23 लाख में फ्लैट एक आम आदमी के लिए किसी सपना से कम नहीं है। यह तब और भी मुश्किल होता है जब किसी के पास अपनी जमीन भी ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवास शहरी के तृतीय घटक में यह सपना अब साकार होता दिखाई देने लगा है। नगर निगम क्षेत्र स्थित मोहनपुर में 5 एकड़ में 665 प्लेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। शुक्रवार को नगर निगम के सभागार में एक दिवसीय आवास मेला का शुभारंभ किया गया। पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। देवघर जिले के बुढ़ई थाना क्षेत्र के पथलजोर गांव में शुक्रवार को पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव बरामद किया गया। ये गांव गिरिडीह जिले से सटा हुआ है। मृतक 25 वर्षीय विनोद कुमार मंडल गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कदमा टोला डाक बंगला गांव का रहने वाला था। घटना के संबंध में बताया गया कि सुबह ग्रामीण ने पेड़ से लटका हुआ युवक का शव देखा। शव मिलने की खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस बारे में पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर बुढ़ई थाना प्रभारी जैनुल अबेदीन, एएसआई मनीष कुमार, बेंजा उरांव ने मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन की। घटता तापमान, सर्द हवाओं ने बढ़ाई शरीर में सिरहन और कनकनी। बाबा नगरी में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। निरंतर तापमान घटने के साथ सर्द हवाएं शरीर में सिरहन पैदा करने का भी है। शाम ढलते ही शरीर को कनकना देने वाले हवाएं और तेज चलने लगती है। लोग ठंड से बचने के लिए घर में दुबक जाते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हीं ठंड के बीच रहकर अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में जुटे रहते हैं। खासकर रिक्शा, ऑटो, टोटो चालकों को रात में ठंड की परेशानी के बीच काम करने का विवश होना पड़ता है। अब खबर दुमका से। दुमका में महिला से 60,000 रुपये छीनकर फरार हुए बाइक सवार अपराधी। बैंक से घर लौट रही थी पीड़िता। झारखंड के दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक महिला से करीब 60,000 रुपये छीनकर फरार हो गए। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने बाइक सवार को दौड़ाकर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अपराधी बाइक को तेज रफ्तार से दौड़ाते हुए भाग गए। घटना की शिकायत दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाट के समय में हो बदलाव। महिलाओं के साथ बढ़ती हिंसा और सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को समुचित सहायता दिलाने के लिए शुक्रवार को महिला सुरक्षा
मंच की अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष जायसा बेसरा ने उपायुक्त राजेश्वरी बी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष ने उपायुक्त से कहा कि घासीपुर की घटना ने पूरे राज्य की सरकार कर दिया है, यह पहली घटना नहीं है, हाल के दिन में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही है। संथाली आर्टिस्ट का सोशल प्लेटफॉर्म पर धमाल, ट्रेंड में है दुमका में बना प्रमोशनल वीडियो का टीजर। कोरोना महामारी के दौरान फिल्म उद्योग भी प्रभावित हुआ है, कलाकारों की आजीविका पर भी संकट आया है। इस दौर में परिस्थितियां ही नहीं बदली, अर्थव्यवस्था भी बदल गया, लेकिन संथाल परगना के आदिवासी युवा आपदा में को अवसर में बदलने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर खूब धमाल मचा रहे हैं, जहां कलाकारों ने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अपने को दर्शकों, फैंस व फॉलोअर्स के खुद को जोड़े रखा है, वहीं अस्तित्व बचाए रख आगे बढ़ने की चुनौती में सफलता हासिल की है। खबर अब पाकुड़ से। पाकुड़ में फिर से पांव जमाने की फिराक में PFI प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फिर से पाकुड़ में पांव जमाने की फिराक में है। PFI के सदस्यों ने शहर के काली भसान स्थित एक घर की दीवार लेखन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। PFI द्वारा दीवार लेखन किए जाने से पुलिस महकमा में हड़कंप है। नगर थाना पुलिस काली भसान पहुंच मामले की जांच की। PFI की सक्रियता बढ़ते ही संभावना को देखते हुए पुलिस काफी सतर्क हो गई है। खबर अब जामताड़ा से। 4 kg गांजा के साथ एक गिरफ्तार। मिहिजाम पुलिस ने एक घर से 4 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। गांजा बरामद होने की सूचना पर मुख्यालय DSP संजय कुमार सिंह मिहिजाम थाना पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू की। उन्होंने घटनास्थल पर ही दौरा किया और एक व्यक्ति को धर दबोचा। मनरेगा के तहत तालाब खुदवाने में JCB का उपयोग करने पर होगी कार्रवाई। जामताड़ा के कुंडहित प्रखंड के जयपुर गांव में मनरेगा तालाब में JCB मशीन लगाने पर योजना से जुड़े कर्मियों पर कार्रवाई होगी। इस मामले में पंचायत सचिव ने कुंडहित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। पुलिस ने कार्यस्थल की जांच भी की है। खबर गोड्डा से। मालगाड़ी की 22 बोगियां बेपटरी, पावर प्लांट में कोयला आपूर्ति बाधित। राजमहल परियोजना से NTPC फरक्का को शुरू हुई कोयले की आपूर्ति एक बार फिर बंद हो गई है। MGR खंड पर ललमटिया से 25 किलोमीटर दूर बुआरीजोर थाना क्षेत्र की सीमा पर पथरा गांव के निकट शुक्रवार की दोपहर मालगाड़ी की 22 बोगियां बेपटरी हो गई। इससे ललमटिया व फरक्का के बीच कोयलों का संप्रेषण कर से रुख लग गया है। नशा करते पकड़े गए तो होगी कार्रवाई। जिला मुख्यालय के गांधी मैदान परिसर और उसकी गैलरी के आसपास के क्षेत्र में अराजक तत्व पान, गुटखा, तंबाकू उत्पाद, सिगरेट आदि का उपयोग करते हैं और थूक कर गंदगी फैलाते हैं। यहां ऐसे तत्वों को जमावड़ा लगा रहता है, इसे लेकर कार्रवाई की जाएगी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।